हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू वी के एडिट। गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि देखने में काफ़ी प्रोफेशनल एंड ओरिजिनल लग रही है। दोस्तों, मैं बता दूं, आपको वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जी करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल दोस्तों, आपको पिक्सआर्ट में कर लेना है अपना फ़ोटो ओपन। ओपन करने के बाद जाना है आपको ऐड फ़ोटो पर। ऐड फ़ोटो पर जाने के बाद दोस्तों, आपको लेनी है ये रोबोटिक फेस की इमेज। इसे ऐड करने के बाद दोस्तों, इसे अपने फेस पर इस तरह से आपको सेट करना है। सेट करने के लिए गाइज, आपको इसकी ओपेसिटी कम रखनी है, और ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी आँख की पुतली आपकी आँख की पुतली के ठीक सेट बैठे। तो सिंपल दोस्तों, इस तरह से आपको अपने फ़ोटो के फेस पर इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद जाना है आपको एरेजर पर, फिर जाना है इन्वर्ट पर, फिर आपको जाना है ब्रश में। ब्रश को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, कुछ इस टाइप से आपको अपने फेस पर इसे फेरना है। और दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रश का साइज़ अपने हिसाब से सेट करना है, जैसे आपको फ़ोटो पर पसंद आए। सिंपल इस तरह से आपको अपने फेस पर, पूरे फेस पर इसे फेर देना है। फेरने के बाद दोस्तों, जो बाकी का हिस्सा है इस पर भी आपको इस तरह से ब्रश को फेर देना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं बता दूं, मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसे वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो सिंपल इस तरह से, और जो दोस्तों बाकी का हिस्सा है, मैं उसे और भी सेट कर लेता हूं इस तरह से। दोस्तों, सेट करने के बाद सिंपल आपको कर देना है डन। डन करने के बाद गाइज, आपको इसकी ओपेसिटी 100% कर देनी है। फिर इसके बाद सिंपल कर देना है डन। डन करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है, सिंपल जाना है स्टिकर में। स्टिकर में जाने के बाद गाइज, आपको ये वाली आँख की PNG लेनी है, जो रेड PNG ये लेनी है। ठीक है, लेने के बाद दोस्तों, आपको इसे अपनी आँख पर सेट कर देना है कुछ इस तरह से। इसकी भी गाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसे भी आज आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सिंपल आपको जाना है ब्लेंड में। ब्लेंड में जाने के बाद इसको कर लेना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपको जाना है इरेजर में। इरेजर में जाकर इसका जो बाकी का हिस्सा है, उसे आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद सिंपल आपको कर देना है डन। डन करने के बाद दोस्तों, आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद, ठीक है दोस्तों, टूल्स में जाने के बाद इसके कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है। फिर जाना है क्लियरिटी में। क्लियरिटी को भी आपको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर जाना है आपको सैचुरेशन में। सैचुरेशन को भी थोड़ा आपको बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, हाईलाइट को थोड़ा कम रखना है, और इसकी शैडो को भी आपको थोड़ा कम रखना है, और इसके टेम्परेचर को भी आपको कम ही रखना है, कुछ इतना। इसके बाद सिंपल आपको कर देना है डन। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कुछ इस टाइप की एडिटिंग और करनी है। तो दोस्तों, धन्यवाद। एडिटिंग करो, मौज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।